उत्तर प्रदेश नहीं है, उल्टा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, हाँ। ज्यादा सर कह रहे योगी बाबा ने कमांड मचा रखी। अरे योगी बाबा ने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग उठा दी। अच्छा जी। हाँ बेगुनाह माफियाओं की उठाई है, अच्छे आदमियों को उठाई है। हाँ गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी तो गुंडा तो खुद गुंडे तो खुद ही है वो, गुंडागर्दी तो खुद करें। सबसे ज्यादा 8-8 लड़के हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के 1-2 ही हैं। 8-8 9 मैं गिनाऊं, चलो मेरे साथ। सर आपके कितने हैं? मेरे एक बेटा, मेरे बेटे के एक बेटा, मेरे भैया के एक बेटा, मेरे भतीजे के एक बेटा। तो हमारे एक ही हो बाजी के, दो ना एक ही हो। वैसे तो सबको दो ही करना चाहिए ना, क्यों करना चाहिए, दो एक करना चाहिए। मुस्लिम भाई खतरे में कब ना, आपसे 47 साल तक खतरे में चला रहा है। हाँ तो सर आप अपने विकास की क्या मांग करना चाहेंगे 2024 में, कि अभी हमारा इस चीज पे विकास हो, हमारी ये मांग है। हमारी तो कुछ मांग ही ना है, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो फिर कैसे खतरे में हो जब मजे ले रहे हो? हाँ तो फिर होगा योगी मोदी होगा खतरे में, हम काय घूम खतरे में। वही तो बात कर रहे, राहुल गांधी गलत बोल रहे। राहुल ही तो गलत बोलेगा, हम तो सही बोलेंगे। हाँ फिर भी राहुल गांधी को जिताएंगे। हाँ फिर भी जिताएंगे, मोदी को नहीं जिता। कांग्रेस कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करती, वो बात बीजेपी करती है। कांग्रेस कभी नहीं करती, कांग्रेस चाहती है सबका साथ सबका विकास। नारा मोदी जी का है लेकिन चाहती कांग्रेस है वो चीज। हाँ जी कोई भी जीता यार, अमन चैन होना चाहिए बस। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माइनॉरिटी को दबाया जाता है, सिर्फ जो माइनॉरिटी वाले है ना, पहले SC ST दबाए जाते थे, अब मुस्लिम दबाए जा रहे हैं। इससे देश आजाद तो हो गया 75 साल पहले, लेकिन जो मेंटेलिटी है ना, चीप मेंटेलिटी, उससे भी देश बाहर नहीं आया है, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। और आज तक कोई वादा निभाया तो बताओ, योगी ने भी और मोदी ने भी। अच्छा हाँ जी, मतलब विकास कुछ नहीं, कुछ नहीं। यूरा गड्ढे देख लो, अरे यूरा तुम्हारे सामने है, गड्ढे देख लो, ये सड़कों में ये गड्ढे देख लो, ये कूड़ा देख लो। हाँ जी ये झूठे जो ये वादा करते हैं इन्होंने, अक्षरों में जो वादे करे कोई पूरे करे हो तो बताओ, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तो भैया आप उत्तर प्रदेश में खबर चलानी है तो सरकार का गुणगान कीजिए, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसका साफ मतलब यही है, अगर उत्तर प्रदेश में खबर चलानी है तो सरकार का गुणगान करना पड़ेगा, फिर चाहे क्यों ना पुलिस के सामने किसी को गोली मार दी जाए या कोर्ट रूम में जज के सामने गोली मार दी जाए, आपको कहना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, उत्तर प्रदेश में राम राज है। इसके अलावा कुछ और खबर चलाए तो आपकी जाँच कर ली जाएगी, आपका इतिहास खंगाल लिया जाएगा, आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर दी जाएगी कि इतना बड़ा गुस्ताखी तुमने कैसे कर दिया। तुम्हारा क्या है? अभी तो शादी नहीं हुई। शादी ना हुई तो शादी करोगे पता चलेगा, जब इस उम्र में शादी नहीं हुई तो बर्बादी कब होगी। अच्छा जी। हाँ तो सर, 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 सर ऐसे तो योगी जी की भी शादी कहाँ हुई है, और मोदी जी ने जो छोड़ रखी है घर वाली, योगी ने तो कितनों के साथ बच्चे बना लिए होंगे, घर वाली मोदी जी ने छोड़ रखी है घर वाली। अच्छा। योगी जी क्या करेंगे, देश की सेवा ही तो कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश को लूट के खा रहे हैं। आप कैसे कह सकते, कौन खरीदेगा? कह रहे हैं हम तो, कह रहे तुम रोक सकते हो हमें, देश को खा गए, बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं कि हमने इतना विकास देखा, लोग होंगे आप जैसे, हमारे जैसे नहीं होंगे। जैसे क्यों? आप क्योंकि शादी नहीं करी अभी तुमने। अच्छा चलिए, तुम्हें क्या फिक्र, जब शादी नहीं करी करोगे भी नहीं। खाली कैमरे उठाने से, गोदी मीडिया बनने से कुछ नहीं होगा, दो देश के नौजवान पास प्रूफ है कि हम गोदी मीडिया है। नहीं हाँ आप मोदी की तरफदारी कर रहे हो, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो आप? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ माइनॉरिटी को दबाया जाता है, सिर्फ जो माइनॉरिटी वाले है ना, पहले SC ST दबाए जाते थे, अब मुस्लिम दबाए जा रहे हैं। इससे देश आजाद तो हो गया 75 साल पहले, लेकिन जो मेंटेलिटी है ना, चीप मेंटेलिटी, उससे भी देश बाहर नहीं आया है, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। और उससे बाहर आने देने के नहीं आप जैसे भाई, क्योंकि आप गोदी मीडिया हो। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो ना, आप मोदी की तरफदारी कर रहे हो। सर आप अपनी पहले मेंटेलिटी बदलिए। मेरी मेंटेलिटी ठीक है, आप अपनी बदलिए। आप गोदी मीडिया होता, गोदी मीडिया होता तो मैं आप ही के पास आता या किसी भी 4 BJP के आदमी पकड़ के उनका इंटरव्यू लेता, आप खुद बताइए जी। चलिए ठीक है सर, देश हित की बात करते हैं थोड़ी सी। सर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, बढ़िया आदमी हमारे लिए, एकदम बढ़िया। कैसे आप एकदम बढ़िया मानेंगे? सर वो आपके बारे में बोलता है, सर आपके बारे में भी गलत खुल के हम बर्दाश्त करेंगे, गलत बोलेगा तो बर्दाश्त कर रहे हैं। जो अब राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई खतरे में, तो बात झूठ है सच है? बात सच है, मुस्लिम भाई खतरे में कब ना है, आपसे 47 साल तक खतरे में चला आ रहा है। हाँ तो सर आप अपने विकास की क्या मांग करना चाहेंगे 2024 में, कि अभी हमारा इस चीज पे विकास हो, हमारी ये मांग है। हमारी तो कुछ मांग ही ना है, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो फिर कैसे खतरे में हो जब मजे ले रहे हो? हाँ तो फिर होगा योगी मोदी होगा खतरे में, हम काय घूम खतरे में। वही तो बात कर रहे, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। राहुल ही तो गलत बोलेगा, हम तो सही बोलेंगे। हाँ फिर भी राहुल गांधी को जिताएंगे। हाँ फिर भी जिताएंगे, मोदी को नहीं जिता। कांग्रेस कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करती, वो बात बीजेपी करती है। कांग्रेस कभी नहीं करती, कांग्रेस चाहती है सबका साथ सबका विकास। नारा मोदी जी का है लेकिन चाहती कांग्रेस है वो चीज। हाँ जी कोई भी जीता यार, अमन चैन होना चाहिए बस।
अमन और चैन और विकास और क्या होना चाहिए, जनता का विकास है यार, जनता का विकास ही होना चाहिए। और सर, सर सरकार जनता ये जो फैलाया है हिंदू मुस्लिम किसने फैलाया, किसने फैलाया बताओ सर। यहाँ पहले भी मुसलमान रह रहे थे, यहाँ पहले भी हिंदू रह रहे थे, बताओ कौन सा हिंदू खतरे में था पहले, ये कौन सा मुसलमान खतरे में है? भाई भाई थे सर, अब नहीं है भाई, अब नहीं है भाई भाई। आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे बड़े हैं, मेरे पापा की उम्र के भी है, मैं भी हिंदू सर, मुझे तो कोई खतरा नहीं है। मोदी कह रहे हैं हिंदू खतरे में, मोदी कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हाँ बताइए मोदी क्यों कहते हैं हिंदू खतरे में, हिफाजत करो अपनी, हिफाजत करो अपनी। चुनाव हिंदू मुस्लिम के ऊपर दोगे क्या ये बताओ, जीडीपी की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, बिल्किस बानो की मुस्लिम सर जैसे की बात करो, सवाल कर सकते हैं आपसे जी करिए सर। भाजपा की सरकार दावा करती है कि हमने 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाई देश में, उनका उनके बारे में क्या कहोगे, जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी, प्रूफ दीजिए आप, प्रूफ दीजिए ना, जीडीपी देखिए देश की कितनी लो जा रही है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी देखा है, देखा है सर, अगर खाली कैमरे उठाने से गोदी मीडिया बनने से कुछ नहीं होगा, देश के नौजवान प्रूफ है कि हम गोदी मीडिया है नहीं। हाँ आप मोदी की तरफदारी कर रहे हो, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो आप, मोदी आपको पैसे दे रहा है बताओ, मैंने आपसे क्या सवाल, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो आपसे, मैंने आपसे उनसे बोले जा रहे हो कि राहुल गांधी क्यों आने चाहिए, मोदी क्यों आने चाहिए, आप बताइए बताइए क्यों, मैं ये सवाल आपसे पूछना है, आप उनसे पूछ रहे हो, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों आना चाहिए, अभी तो पूछ देर से आपको यहाँ पे खड़े होकर यही देख रहा हूँ कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम मोदी योगी भाई इस तरीके की बात, देखिए सर देखिए यहाँ पे हमारा देखिए हम अपने इलाके की बात करेंगे, हमारा इलाका दिन पे दिन बस से बदतर हुआ है, देखिए चौकी के आगे की जगह है, ये मस्जिद के आगे की जगह है, आप खुद बताइए किसी धार्मिक स्थल के आगे इस तरीके से कूड़ा होना चाहिए, आप खुद देखिए कैमरा वहाँ फोकस करिए। सर आप युवा है सर, बात यहाँ पे लोकसभा की चल रही थी, आपकी पसंद क्या हो सकती है, अभी तक जो सबसे बेस्ट काम करा है ना वो केजरीवाल ने किया है सिर्फ, बाकी कांग्रेस भी ठीक कर रही है, कांग्रेस लोगों को लड़ाने का काम नहीं करती, वो सिर्फ मोदी करता है। अच्छा। हाँ बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है सर, दोनों सर कांग्रेस हो बीजेपी हो धर्म की राजनीति सारी पार्टी करती है, बात आप भी जानते हो। कांग्रेस कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करती, वो बात बीजेपी करती है, कांग्रेस कभी नहीं करती, कांग्रेस चाहती है सबका साथ सबका विकास, नारा मोदी जी का है लेकिन चाहती कांग्रेस है वो चीज, कांग्रेस का भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करती। बीजेपी का जो दावा है वो भाईचारे की बात कैसे करती है, भाईचारा आप दिखाओ ना, दिल्ली में देखा नहीं आपने भाईचारा, मणिपुर में नहीं देखा भाईचारा, अब उन्नाव में नहीं देखा आपने भाईचारा, मेवात में देखा भाईचारा, कितना भाईचारा था, दिखाऊं वीडियो क्लिप दिखाऊं आपको, तो वहाँ पे एक ही पक्ष की गलती होती है दोनों पक्ष की। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ माइनॉरिटी को दबाया जाता है, सिर्फ जो माइनॉरिटी वाले हैं ना, पहले SC ST दबाए जाते थे, अब मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, इससे देश आज़ाद तो हो गया 75 साल पहले, लेकिन जो मेंटेलिटी है ना चीप मेंटेलिटी, उससे भी देश बाहर नहीं आया है, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है, और उससे बाहर आने देने के नहीं आप जैसे भाई, क्योंकि आप गोदी मीडिया हो, आप बात का प्रूफ है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो ना आप मोदी की तरफदारी कर रहे हो सर, आप अपनी पहले मेंटेलिटी बदलिए, मेरी मेंटेलिटी ठीक है, आप अपनी बदलिए, आप गोदी मीडिया होता, गोदी मीडिया होता तो मैं आप ही के पास आता या किसी भी चार बीजेपी के आदमी पकड़ के उनका इंटरव्यू लेता, आप खुद बताइए जी। उत्तर प्रदेश का एक एक समाज मेरा परिवार है, कौन कहता है, योगी आदित्यनाथ, हम नहीं मानते, झूठ झूठ वादे करते हैं, झूठे करते हैं, वादे करते हैं, आज तक कोई वादा निभाया तो बताओ, योगी ने भी और मोदी ने भी, हाँ जी मतलब विकास कुछ नहीं, कुछ नहीं, यूरा गड्ढे देख लो, अरे यूरा तुम्हारे सामने है, गड्ढे देख लो, ये रे सड़कों में ये गड्ढे देख लो, ये कूड़ा देख लो, ये देख लो, तो पर जैसे ये कहते हैं हमने विदेशों में नाम कर दिया, विदेशों में डंका बजा दिया इन्होंने, तो ये मोदी तो घूम रहा है विदेशों में, यहाँ का डंका बजा दिया, हाँ जी ये झूठे जो ये वादा करते हैं इन्होंने अक्षरों में, जो वादे करे कोई पूरे करे हो तो बताओ, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तजुर्बे वाले सर है, नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, आपका नाम, मोहम्मद शौकत कुरैशी, कुरैशी साहब, कुरैशी साहब आपने सारी सरकारें देखी, ज्यादातर सारी देखी, 9 साल का कार्यकाल में कितना सुकून मिला, अरे हमें ना मिला कुछ भी सुकून, कुछ भी सुकून नहीं है, कोई कौन दे रहा सुकून, वोट निकली है पीछे, तू कौन और हम कौन, मैं मर तक ऐसे करें साले, पर सर जैसे दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास, राशन पहुंचवा देनी, कुछ नहीं मिल रहा है राशन, सबको मिले हमें मिलता ही ना, ना देता कोई भी, सब मुफ्त में ढो रहे हैं, हमें मिले ही ना। पर सर क्या लगता है मोदी सरकार आनी चाहिए या इस बार राहुल गांधी, नहीं आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी, नहीं अच्छे सुकून नहीं, सुकून नहीं ना, और विकास, अरे सब इंडिया खत्म। सर सर नमस्कार सर, आपका क्या नाम होगा, ये बोलिए राशिद, राशिद सर,
राशिद सर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे वरना थोड़ा बस एक बार दिक्कत कर देंगे। राशिद सर आप कैसे देखते हैं 2024 में किसकी सरकार? राहुल की आएगी, राहुल गांधी आपकी पसंद, राहुल गांधी। तो सर राहुल गांधी कहते हैं कि देश का मुसलमान खतरे में, बाहर अमेरिका में जाके कहते हैं वो ना, मुसलमान तो कोई खतरे में नहीं, वो बोलते हैं, उनके बोलने से क्या होता, कुछ नहीं। आप उनकी बात से सहमत क्यों? कारोबार नहीं है, कारोबार खत्म है, सब कुछ ये है।